कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान, जो देश को तोड़ करके अलग देश को बनाने वाला जो बयान है, उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और ये कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता को दर्शाता है। जो राहुल गांधी कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस बयान से ऐसा लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में वर्षों से यही रहा है, जाति को तोड़ो, यानी जाति हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना, जातियों के बीच में झगड़ा कराना, उत्तर दक्षिण के बीच में झगड़ा कराना। पहले भी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने यूपी बिहार के डीएनए के बारे में उन्होंने खुल करके आलोचना कर चुके हैं। और फिर एनडीए अलायंस के जो ये गठबंधन दल के नेता, जो तमिलनाडु के स्टालिन और उदय निधि स्टालिन का बयान, जो सनातन के बारे में उन्होंने जो कहा, मच्छरों से तुलना की, उसके समूल नष्ट करने की बात की, और इस प्रकार के बयान देने के बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वडेरा या किसी ने भी कुछ उस पर आपत्ति नहीं की, उन लोगों को कोई पार्टी से उन्होंने निकाला नहीं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को अंदर से प्रोत्साहित करते हैं या उनके बातों पर चुप रहते हैं। उसे तो यही समझा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यानी देश को कमजोर करने में लगी हुई है, देश को तोड़ने में लगी हुई है, समाज को बांटने में लगी हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी को इसकी जवाब देनी चाहिए। और कांग्रेस के सांसद जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की, अलग देश को बनाने की बात की, डीके सुरेश, उनको उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए।